हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज है 3 मार्च 2024 और आज संडे का दिन है। तो अभी मैं आया हूँ बगही धाम रजितपुर, जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। तो धनेश्वर नाथ महादेव के नाम से मंदिर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दर्शन करने आया हूँ और चलिए आप लोगों को यहाँ से जो है ना बैक कैमरा से थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं किस तरह का है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पोखरी के पास में। तो दोस्तों इधर जो है ना देख सकते हैं पोखरी है, बहुत बड़ा। पहले इतना बड़ा नहीं था, लेकिन चारों तरफ से जो है ना अभी सीढ़ी उढ़ी अच्छे से जो है ना, यहाँ पे छठ घाट भी होता है। तो घाट के लिए चारों तरफ से, उस साइड से तो नहीं है लेकिन ये साइड से देख सकते हैं सीढ़ी उढ़ी बना हुआ है इस साइड से। और वो जो है ना पक्का वाला 108 मरबा का घर है सामने देख रहे हैं इसे। तो यहाँ पे जो है ना जग हुआ था बहुत, मतलब 25-30 साल पहले भी, और 2022 में भी हुआ था। तो ये इस प्रकार का है। और अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अंदर, लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। धनेश्वर नाथ महादेव जी के नाम से मंदिर है, तो अंदर में चल के और दिखाते हैं। यहाँ का देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का माहौल है। सामान वामान माला वाला लोटा वोटा सारे कुछ जल चढ़ाने के लिए मिल जाता है। और ये साइड में से चला तरीका। तो अभी आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो चलिए दोस्तों अंदर में चलते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मंदिर है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा नाम कर लेते हैं उसके बाद में। मंदिर के अंदर घुसने से पहले घंटी बजाइए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ भी 12 घंटी है, इसको भी बजा देते हैं। देखते हैं कितना बड़ा फील्ड है दोस्तों। आइए दोस्तों दर्शन कराते हैं धनेश्वर नाथ महादेव जी का। तो चलिए हो गया। यहाँ पर बसावा का मूर्तियाँ रखा हुआ है और यहाँ पे जो है चारों कोना पे सब देवता का मूर्तियाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग दर्शन कीजिए। यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, शीशा लगा हुआ है, हमारा ही वीडियो आ रहा है, देख सकते हैं। चलिए अब उस कोना पर चलते हैं। सारे कोना पे हर प्रकार के भगवान के मूर्तियाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य देव का मंदिर है, देख सकते हैं। दोस्तों शीशा रखा हुआ है इससे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है और कार्तिक भगवान का मंदिर है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे किस चीज़ का मंदिर है। तो दोस्तों यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है। दोस्तों अभी दर्शन कर लिया धनेश्वर नाथ महादेव जी का, अब चलते हैं बाहर, निकलते हैं और बाहर वहाँ पे लेकर चलते हैं उधर तपस्वी नारायण दास जी महाराज के अंदर। पूजा हो रहा है सत्यनारायण भगवान का, मनौती वाला है ना वो सब पूजा हो रहा है। अभी चलते हैं अभी लेकर के तपस्वी नारायण दास जी के महाराज के अंदर, दिखाते हैं मूर्ति। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का माहौल किस प्रकार का है। यहाँ पे भंडारा चल रहा है दोस्तों, देखते हैं।
पहले इतना भरा नहीं था, लेकिन अभी बड़ा बना दिया गया है। और यह देखिए रणधीर भी दोस्त, क्या हाल चाल है? चलिए अभी चलते हैं, इधर दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे। दर्शन करने आए हुए थे दीदी के हैं। तो चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा घुमाते हैं इधर, और यहाँ पे देख सकते हैं तपस्वी नारायण दास जी महाराज के कुटिया है। तो आइए आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं, बैक कैमरा से सही से दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दिखाई देता होगा, शीशा है इसके वजह से नहीं दिखाई देता है। तपस्वी नारायण दास जी महाराज जी का कुटिया है, पहले पुराना वाला था ये, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं फ्रेश में फोटो है, कुटिया है, और ये पक्का वाला नया बना है। तो बहुत दिन पहले की बात है, लगभग 20-25 साल 30 साल पहले की बात है दोस्तों। महाराज थे तो ये जो है ना अंतर्यामी थे, इनको अगर कुछ भी यहाँ पे होता था तो पहले ही मालूम पड़ जाता था। तो एक तरह से जो है ना भगवान के रूप में थे, तो सब कुछ इनको पहले से जो यानी कि कुछ भी होने वाला है उससे पहले ही इनको पता हो जाता था। फाइनली दोस्तों अभी आ गया घर, और ये वाला हमारा घर है सामने वाला, देख सकते हैं। और दोस्तों सही से आज वीडियो नहीं बना पाए हैं, अगले बार जो है ना महाशिवरात्रि के दिन बुधवार के दिन जो है ना चलेंगे, फिर तो अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।